दो दिन से जावा यहीं पर है, धान जितना खाकर देखो फेंके हुए। ये गोल्डन हमारे ऊपर रखे केज में रखे हैं चार हैं, और कबूतर इस तरफ हैं। इनको आज हम लेके जाएंगे ट्रेन में, कैसे लेके जाएंगे मुझे नहीं पता, बस बैग के अंदर ऐसे रखे हुए ना तो उसको उठाएंगे, और इसके लिए भी एक दूसरा वाला बैग देख कर ले जाएंगे इनको। बाकी ट्रेन में लेके जाते हैं, और सुना है उनका टिकट वगैरह करते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होता है मुझे नहीं पता। इससे पहले भी मुंबई में मैं फिंचेस वगैरह लेकर आया था, लॉन्ग टेल और बंगाली फिंचेस वगैरह, तो इतना कोई परेशानी हुई नहीं हुई, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा है, देखते हैं। ये मैंने तब ख़रीदा हुआ था तब, ठीक है। अब इनको पानी दे देते हैं, कुछ टाइम बाद शायद हम लोग का ट्रेन 10 बजे है, मतलब 1 घंटे के बाद हम लोग निकलेंगे। इनको पहले पानी पिला देते हैं, फिर पानी निकाल देंगे, वरना रास्ते भर पानी गिराते रहेंगे ये। पानी देखते थे सारे जावा आ गए इस तरफ से, ऐसे ही पानी पीना ख़त्म करते हैं ना, फिर हम पानी निकाल देंगे। सारे जावा बर्ड्स को अंदर कर दिया, उसके बाद ऊपर से गोल्डन फिंचेस और इस जगह में कबूतर, ठीक है। दो बैग हो गया, अब इनको लेके चलते हैं स्टेशन जल्दी से, टाइम हुआ भी। Hey guys, welcome back to the new vlog. अभी देखिए मेरे हाथ में लगेज के साथ बर्ड्स भी हैं, लेकर चल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं बाकी ट्रेन किस तरह से हम इसको लेकर सफ़र करते हैं। तकरीबन 7 या 8 घंटे का सफ़र है, शाम तक का पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हो गया है 11:25 को ट्रेन यहाँ से निकलेगा, देखते हैं। ट्रेन का टिकट हुआ, ये वाला सीट इसको यहाँ रखें, ये भाई यहीं पर है। ज़्यादा ट्रेन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसी वजह से अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, तो ये जो कपड़ा है ना इसमें पानी में भिगो कर बर्ड्स के बैग के ऊपर कवर कर देंगे, ताकि उनको ऐसे ह्यूमिडिटी कंट्रोल में रहे, ज़्यादा गर्मी ना लगे। कवर कर देंगे उनको, अब कुछ इस तरह से मैं कवर कर दिया हूँ, इसके अंदर है सारे बर्ड्स, ठीक है। इनको गर्मी नहीं लगेगी, अगर हवा भी लगेगा तो ये ठंडी हवा जाएगी, ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, ह्यूमिडिटी कंट्रोल में रहेगा, बर्ड सर्वाइव कर लेंगे। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, दोबारा से मैं पानी के साथ इसको सुखा दिया था। जैसे उड़ीसा में इंटर किए हैं, बहुत तेज़ बारिश चला हुआ है, देखो अभी भी बारिश लगा हुआ है, गर्मी हो रही थी, सुकून मिल गया, हमारे सारे बर्ड्स भी सुकून में होंगे। मौसम चेंज हो रहा है, हम ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं ना, तो ऐसे बादल से गुजरते जा रहे हैं। अभी यहाँ पर धूप पड़ रहा है, धूप हो रहा है इस तरफ, इस तरफ पूरा कड़ाके का धूप चला हुआ है, और फिर से गर्मी स्टार्ट हो गई। रात का टाइम हो गया, और ट्रेन का टाइम था हमेशा की तरह लेट है। दोस्तों फाइनली मैं घर अब पहुंच चुका हूँ, हाथ पूरा थकान हो गया। ये देखें सारे बर्ड्स हमारे लाइन से केज के अंदर हैं। पहले हम गोल्डन फिंचेस को ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये छोटा सा केज है और इसके अंदर ये चारों कंफर्टेबल हैं, इतना ज़रूरी नहीं है कि इन्हें खोलना, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो जावा बर्ड्स हैं ना, तो हम जो 10 पीस है इसमें से निकाल कर अलग कर देंगे। पहले हम इनको पानी पिलाएंगे, अच्छा सब कुछ पाएंगे। ये देखो भाई सारे आ गए पानी पीने के, कितने प्यारे लग रहे हैं, उनका चोंच और पिंक कलर का जो पानी पीने का जगह एक साथ मैच कर रहे हैं उनका। ऊपर हो गया बस, किंग आ गया पानी पीने के लिए। मेरे गैर हाजिरी में घर वाले ने बहुत अच्छा ख्याल रखा अपने बर्ड्स का, और सही सलामत है सारे। चलो आ जाओ, ये पानी में रख दिया, ये सारे जितने फीमेल हैं ना सब टूट पड़ेंगे इस पानी पर, कितने प्यारे लग रहे हैं पानी पीते हुए। कलर देख रहे हो, पूरा कलरफुल फिंचेस, सबसे ज़्यादा कलरफुल फिंचेस होते हैं ये गोल्डन फिंच, बहुत प्यारे। हमें बहुत पहले से शौक था कि ये वाले फिंचेस लेकर आएँ। मैंगो और किंग देखो आ गए हैं इस तरफ देखने के लिए, नए बर्ड्स। मैंगो कहीं बोले तो नहीं हो, चलो उसको याद है उसे। और कबूतर को मैं जो कल धान दिया था सब कुछ ख़त्म है, इनको पानी डालते हैं, ये पानी रख दें, अब लग गए पीने, इनको धान भी डाल देंगे ताकि पानी सब धान भी खा लें। अभी रात का टाइम है, जल्दी से इनको केज से शिफ्ट करना है। अब इनको लेके जा रहा हूँ इसके अंदर छोड़ने के लिए, जा रहे हैं। देखो इसके अंदर फिलहाल 3 चले गए, और भी जा रहे हैं, इनका 4 गए। निकलो 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 निकलो, और बचे 3, चलो
और आखिरी में ये है, आखिर में पकड़ा हुआ, ये भी काट रहे हैं मुझे, रुक रुक रुक, ये गए। अब देखो सारे जावा बर्ड्स एक साइड में आ गए, सारे मेल हैं, ठीक है। अब इनको अब प्लान चेंज हो गया, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इसी जगह पर जावा बर्ड्स को छोड़ दें, पुराने वाली जगह पर ओपन करते हैं। ये नीचे से जितने सारे थे ना, सारे फीमेल, मेल सारे ऊपर हैं और फीमेल सारे को इस दो डबल केज के अंदर छोड़ रहा हूँ। सारे देखो कितने सारे सर आ गए इस केज के अंदर, चलो 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 चलो, ऐसे नहीं आएंगे। कबूतर को निकाल कर केज खाली कर दिया, टाइम है कि गोल्डन सारे को इसके अंदर छोड़ते हैं। दो निकल गए, ये मैंगो डिस्टर्ब कर रहा है, चलो निकलो, निकलो निकलो, एक गया और एक आखिरी है। चलो चारों के चारों आ गए, देखो अब कितने प्यारे लग रहे हैं ऐसे स्टिक में बैठे हुए। इनको हम बंद कर देते हैं, कल आपको मैं सही से दिखाऊँ। फर्स्ट टाइम मेरा भी एक्सपीरियंस था कि इतने सारे बर्ड्स को ट्रेन में ट्रैवल करके लेकर आया, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले आप लोग पानी पिला देना, बीच में पानी मत देना, ठीक है, गिर सकता है एक में। और दूसरी बात होगी कि हमारे केज के अंदर बहुत सारे बर्ड्स थे, तो अगर हम उनको खोल देते हैं पानी पिलाने के लिए तो बाहर निकल के जा सकते थे। तो ये रिस्क कोई नहीं कि 7-8 घंटा पहले से पानी पिला देना, तो जैसे सफ़र चलता है ना, फिर उसके बाद आते ही फौरन से पानी पिला देना, फिर उनको सीड्स वगैरह देना, रेस्ट करके वो खाना वगैरह कर लेंगे। तो कबूतर और हमारे फिंचेस जावा सही सलामत घर पहुँच गए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये पता नहीं इतना लेट से ये काटे जा रहे हैं, हल्का हो गया, ये सुस्त हो गया काफ़ी। खाना उन्होंने खाया था क्या मैंगो?